अकबर नगर में अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन, 11 मकानों पर चला बुलडोजर, मचा हाहाकार। सिंघम आईपीएस को योगी ने दे दी खुली छूट, फाइल बनाओ, कब्जा छुड़ाओ, चाहो तो बुलडोजर ले जाओ। यूपी में शुरू हुआ ऑपरेशन भू माफिया, दौड़ा दौड़ा थाने पहुंचा बड़ा डॉन, बोला हमको मत ठोकना। सीएम योगी के आवास से कुछ किलोमीटर दूर बुलडोजर की गड़गड़ाहट ऐसी सुनाई दी कि लखनऊ के सैकड़ों लोग कई रातों से सोए नहीं हैं। किसी का सामान सड़क पर बिखरा है तो कोई गाड़ी में अपना सामान भरकर कहीं और जा रहा है। पूरे अकबर नगर में दो दिन से लगातार बुलडोजर गरज रहा है। 11 जून को हालत ये हो गई कि बुलडोजर ही पलट गया। लोगों का विरोध का आलम यह था कि एक धार्मिक स्थल के आगे जैसे ही बुलडोजर पहुंचा, लोग आ गए। बुर्का वाली महिलाएं और टोपी वाले पुरुष इस मूड में दिख रहे थे जैसे यमराज भी आ जाए तो उसका मुकाबला कर लेंगे। लेकिन बावजूद उसके योगी की पुलिस का एक्शन नहीं रुका। एक साथ इतने घरों पर बुलडोजर चलने से हर कोई हैरान है कि आखिर मामला क्या है। अगर किसी घर में कोई अवैध गतिविधियां हो रही थी तो फिर एक दो घर गिराए जाते, एक साथ 11 घरों को क्यों गिराया जा रहा है, तो इसकी वजह काफी बड़ी है। 73 करोड़पतियों ने बसाई अवैध बस्ती। अखिलेश यादव की सरकार में यानी कि साल 2012 से 17 के बीच में कुकरेल नदी के पास में कई बिल्डिंग बनी, कई शोरूम खड़े किए गए। करीब 73 करोड़पतियों ने मिलकर यहां पर अवैध कॉलोनियां बसा दी, जबकि इस क्षेत्र में रिहायशी निर्माण की अनुमति नहीं थी। नतीजा, योगी सरकार ने जांच करवाई, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और फिर 1100 मकानों को तोड़ने का आदेश जारी हुआ। इनमें से करीब 1000 लोगों को पीएम आवास योजना के तहत कहीं और मकान दिए जा रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण के खिलाफ ऐसी कार्रवाई के दौरान सरकार को इस बात का ख्याल रखना होता है कि कोई बेघर न हो। लेकिन यहां तीन तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। पहला, जब 1100 घरों पर बुलडोजर का आदेश आया तो विरोध एक समुदाय ने ही क्यों किया? दूसरा, मस्जिद के पास से कमरा तोड़ने पर बुलडोजर पलटने की नौबत कैसे आ गई? क्या तैयारी पूरी नहीं थी या इतने विरोध का अंदाजा नहीं था? तीसरा, जो भूमाफिया ऐसा करते हैं उनके खिलाफ तगड़ा एक्शन कब होगा ताकि गरीबों का पैसा न बर्बाद हो? भू माफियाओं के खिलाफ योगी की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी का नतीजा है कि सुल्तानपुर के बड़े बाहुबली सोनू सिंह तक थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें बाहर नहीं रहना। यहाँ जिन लोगों के मकान टूटे हैं उनमें से ज्यादा तो लोग गरीब हैं, किसी तरह का कर्जा करके जमीन खरीदी थी, घर बनाया था और सोचा था कि सुकून से रहूंगा। एक आदेश ने सारा सुकून छीन लिया। आज वहाँ रहने वाला हर आदमी यही सोच रहा है कि काश यहाँ मैंने घर न लिया होता, काश उस वक्त ये पता कर लिया होता कि यहाँ पर घर बनाने लायक है या नहीं। अगर आपके साथ कभी ऐसी नौबत आ जाए तो आपको सबसे पहले अपने अंचल अधिकारी और जिले में बैठने वाले लैंड रेवेन्यू ऑफिसर से जरूर मिले। सरकारी नक्शा एक बार जरूर देखें ताकि ये समझ आ सके कि जो जमीन आप खरीद रहे हैं उस पर किसी तरह का कोई विवाद तो नहीं है, और जमीन खरीदने के बाद उसका तुरंत दाखिल खारिज जरूर करवाएं, क्योंकि सरकार के पास कई ऐसे मुकदमे पेंडिंग हैं जहां लोगों ने दशकों तक दाखिल खारिज नहीं करवाया और एक ही जमीन कई लोगों को बेच दी गई। ऐसे में आपका सतर्क और जानकार होना बेहद जरूरी है। अक्सर सरकार के फैसले को सिर आंखों पर रखने वाले कुछ लोग शांति से बड़ा अन्याय भी सह जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथों में पत्थर उठा लेते हैं। और ये तस्वीर इस बात को समझने के लिए काफी है कि सरकारी कार्रवाई पर एक खास समुदाय के लोग कैसा रिएक्शन देते हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के मंदिर की है जहां पर लोग हाथ जोड़कर कहते हैं कि इस पर बुलडोजर मत चलाइए, हथौड़े से हटा लीजिए, हम सरकार के फैसले के खिलाफ नहीं हैं। जबकि दूसरी तस्वीर मस्जिद के बाहर की है जहां मस्जिद को बचाने के लिए बुर्का वाली महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं। तय आपको करना है कि आप किस तरफ जाते हैं, क्या करते हैं। लखनऊ में 1100 मकानों पर बुलडोजर का दर्द जिनके सीने में है उन्हें इस सवाल का जवाब खुद से भी पूछना चाहिए कि अवैध बस्तियों की जगह अगर सरकार दूसरी जगह मकान दे रही है तो फिर विरोध क्यों? क्या सिर्फ ये झूठ फैलाने के लिए कि यूपी में एक खास समुदाय को ज्यादा परेशानी हो रही है?